कुर्ता होता है उसकी जो साइड पॉकेट होती है वो कैसे निकालनी है। सबसे पहले ये देखिए मेरे पास दो पीस है, ये दो पीस है, एक ये है और एक ये। अब ये मैंने जो है ना इकट्ठे कर लेने, इकट्ठे बराबर करना है इनको। ये लिए जी, ये बराबर कर दिए, यहाँ से भी बराबर हो गए, यहाँ से भी बराबर हो गए, ठीक है। अब हमने निशान लगाना है जी, 7 इंच खुली पॉकेट रखनी है, ठीक है। 7 ये यानी ये जो जिस बंदे के कपड़े हैं ये उसका, यानी नॉर्मल बंदा है, इतना मोटा भी नहीं है, इतना वो छोटा बच्चा भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल बंदे की। अब ये 7 इंच खुली रखनी है, ठीक है, ये 7 इंच का निशान लगा दिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ से आगे ले जाते हैं 20 इंच, 20 इंच ये आता है, ठीक है, 20 इंच लंबी निकालनी है। अब ये यहाँ से भी हम 7 इंच लगाते हैं, निशान 7 इंच लग गया। अब ये जगह तो ऑलरेडी सीधी सी, यहीं से निशान लगाने के लिए हमने इसको ऐसे जो है ना मोड़ लिया, ठीक है, इसको लपेट ये कर दिया हमने। अब यहाँ लगाते हैं जी 20 इंच का निशान, यहाँ से आगे कितना लगाते हैं 20 इंच का, ये लग गया जी 20 इंच का निशान, ये 20। अब यहाँ से आगे हमने लगाना है जी 6.5 इंच का, कितने का, 6.5। ये थैली है, ये थैली का निशान, ये 6.5 इंच हमने थैली बनानी है पॉकेट की। अब हम ये काट लेते हैं, यहाँ से टुका लगा लेते हैं। अब यहाँ से एक तो तरीकेकार है कि सीधी रखी जाए, एक है गोल, हम इसको गोल शेप देंगे, क्या करेंगे, गोल शेप देंगे हम इसको, गोल गोलाई में काटना है हमें, गोलाई में पाकर अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है जब लगाते हैं ना। ये देखिए मैं गोल काट रहा हूँ, ये यहाँ पे टुका लगा लेते हैं, यहाँ जो जो है ना काटी थी ना, यहाँ पे टुका लग गया। आप ये देखें जी हमारी साइड पाकटें दो निकल आई हैं, ये हमारी दो साइड पाकटें, एक दाएं तरफ एक बाएं साइड के लिए।